प्रदेश के साथ ही कोरबा जिले में पिछले तीन दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। धूप छांव के बाद बदली के साथ हो रही बारिश के दौरान स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही काफी भारी पड़ सकता है। चिकित्सकों ने आम जनता से इस मौसम में खान पान को लेकर विशेष सावधानी बरतने की बात कही है। कोरबा के साथ ही इन दिनों पूरे छत्तीसगढ़ का मौसम पूरी तरह से बदल गया है। गर्मी के दस्तक देने के बाद मौसम में अचानक आई ठंड ने लोगों को राहत जरूर दी है, लेकिन साथ में बीमारियां भी लाई हैं। बदलाव के इस मौसम में स्वास्थ्य के प्रति जरा सी लापरवाही काफी भारी पड़ सकती है। पिछले तीन दिनों से जिस तरह से गर्मी के साथ बदली और बारिश हो रही है, उसका प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ सकता है, लिहाजा लोगों को काफी सावधान रहने की जरूरत है। कोरबा के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दीपक राज ने कहा कि ठंड के बाद गर्मी पड़ने और उसके बाद वापस बारिश होने के कारण संक्रामक बीमारियां घर कर सकती हैं, लिहाजा लोगों को खान पान में सावधानी बरतने की जरूरत है। इस मौसम में बासी भोजन के सेवन से बचने की जरूरत है, साथ ही अपने स्वास्थ्य को लेकर लोगों को जागरूक होने की भी बात चिकित्सकों ने कही। मैं ये जो स्पेशली जो फरवरी मार्च का जो महीना होता है वो एक ट्रांजिएंट फेज होता है, एक मौसम से दूसरे मौसम में अपन शिफ्ट होते रहते हैं, ठंड के बाद एक गर्मी के मौसम की हो तो ये जो वेदर जो रहता है ना बहुत ही अनसर्टन होता है, मतलब कभी बहुत ज़्यादा ठंड भी की स्थिति भी निर्मित होती है और दिन में अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है और सुबह शाम का अगर टेम्परेचर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाता है। और साथ में भी दो दिन से जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, बदली छाई हुई है, बहुत जगह पे बारिश हो रही है, तो इस वजह से बॉडी को कोपअप करने में, उस टेम्परेचर को कोपअप करने में बहुत मुश्किल होती है। और विशेषकर जो एक्सट्रीम एजेस हैं, चाहे बच्चों की बात करें या बुजुर्गों की, उनको ज़्यादा ये जो मौसम है प्रभावित करता है, तो हमको अपने खान पान में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, घर का ताज़ा भोजन ही करें। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा, बदली होने के साथ ही बारिश भी होगी, लिहाजा लोगों को अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए अविनाश प्रसाद की रिपोर्ट।